की जोश और जिस तरह की भावना है ये दिखाई दे रहा है। सब कुछ फ्री दे रखा, बस भी फ्री दे रखा है पब्लिक लोग के लिए। आम आदमी की चारों सीट जो है ये निकलेगी। अच्छा, आपकी चारों सीट चल जाएगी। और नहीं कह सकते, उसका नहीं कह सकते। क्या लग रहा है वाकई जनता जो है दिल्ली की जेल का जवाब वोट से देने वाली है क्या? अब वोट देंगे ना सारे, बीजेपी को देंगे, मोदी जी को। ये बाहर भी नहीं आएगा कम से कम साल डेढ़ साल तो। अगर कुछ अच्छा किया तो आज जेल में थोड़ा होता ये बंदा। अब ये औरत को आगे कर रहे हैं या ये किराए के बंदे ला के रोड जाम कर रहे हैं, कुछ नहीं था। वोट तो जाएगा वो मोदी जी को जाएगा ना। ये कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। शहर और देश में बहुत फर्क होता है। देश के लिए इलेक्शन है, देश की सुरक्षा का मामला है। तो देश की सुरक्षा मोदी जी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है किसी के पास में भी, किसी भी पार्टी के पास। ये तो हमारे लिए किस्मत की बात है जो हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। इनका नारा ना कि जेल का जवाब वोट से, पब्लिक इतना वोट देगी बीजेपी को कि ये बंदा बाहर नहीं आएगा। अब से कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो होना है। इसके लिए आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से यहाँ जमा है। एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाइए, आप एक बार कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाइए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा है। ये युवा है लोग हैं, इनके हाथों में आप झाड़ू देख सकते हैं। ये झाड़ू जी केजरीवाल को जिताने के लिए। जीतेगा दिल्ली से, क्या हो गया फिर भी जीतेगी वो। केजरीवाल जी ने क्या क्या दिया है आपको? क्यों सब दिया? बहुत कुछ, बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दी है, महिलाओं के लिए सेवा, बस सेवा महिलाओं के लिए। पाँच साल से पानी की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ इलाकों में लोग कह रहे हैं बिजली पानी नहीं आ रही, ठगा है। सब आता है ये झूठ है, ये झूठ है। बड़ा भड़कावे के लिए, भड़कावे के लिए बोला जाता है। सारे झूठ है, सारे झूठ बोल रहे हैं ये। क्या लग रहा है केजरीवाल जी के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? होगा फायदा, जीतेगी केजरीवाल, डबल बहुमत से जीतेगी। हाँ पूरी पूरी जीतेगी इस बार। 7 सीट है, क्या नतीजा रहने वाला है? पूरी पूरी है इस बार आनी है और मोदी हारेगा। मोदी 400 पार हो गया बेकार। एक तरफ दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जो लिक्विड स्कैम में जेल में, दूसरी तरफ उनकी वाइफ रोड शो कर रही है जेल का जवाब वोट से। चारों तरफ हम बैनर पोस्टर देख रहे हैं। क्या लग रहा है वाकई जनता जो है दिल्ली की जेल का जवाब वोट से देने वाली है क्या? अब वोट देंगे ना सारे, बीजेपी को देंगे, मोदी जी को। और ये बाहर भी नहीं आएगा कम से कम साल डेढ़ साल तो। साल डेढ़ साल बाहर नहीं आएगा, पहले का तो पता नहीं। अगर कुछ अच्छा किया तो आज जेल में थोड़ा होता ये बंदा। आप ये भी तो देखो ना, क्या स्कैम किया है उन्होंने। अब ये औरत को मतलब आगे कर रहे हैं या ये किराए के बंदे ला के रोड जाम कर रहे हैं, कुछ नहीं था। वोट तो जाएगा वो मोदी जी को जाएगा ना। गलत नहीं कह रहे कि 400 पार जाएगा। अब जैसे वो भाई साहब भी कह रहे थे कि मावल मिश्रा इतने टाइम निगम पार्षद रहा, ये रहा, वो रहा, एक ही को बंदे को थोड़ा, मोदी जी तो अलग अलग बंदे को मौका तो देते हैं ना। ये जरूर नहीं कि प्रवेश वर्मा को क्यों हटा दिया, किस लिए क्यों हटा दिया, नए नए बंदे को। पश्चिमी दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है, महाबल मिश्रा आपके उम्मीदवार है, दूसरी तरफ से जो है कमलजीत सहरावत बीजेपी की इस बार नई उम्मीदवार है। क्या लग रहा है कमलजीत सहरावत वाकई इस वक्त लीड कर रही है दिल्ली में? आप चलेंगे जीतेंगे, दिल्ली की 7 सीटें आएंगी, 7 सीटें और गवर्नमेंट भी मोदी गवर्नमेंट बनेगी। ये पहले से निगम पार्षद भी हैं, कभी किस टाइम मेयर भी रही हैं। ठीक है कि वो द्वारका साइड में रहती हैं, पर टच में तो हर बंदा रहता है ना। क्या लग रहा है केजरीवाल के जेल जाने के बाद जैसा आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद माहौल बदल गया, अब लोग जो है केजरीवाल के साथ हो गए हैं दिल्ली? साथ नहीं है भाई, बात को समझो। अगर आपका बच्चा दारू पी के 1/1 फ्री दी थी उन्होंने, बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप कहाँ इसको सही मारोगे इस बंदे को? ये तो जबरदस्ती जिसने नहीं पीनी थी उसको भी दारू लगा दी गई ना। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ और वही कांग्रेस दिल्ली में आपस में लड़ रही है, लड़ाई हो रहा है। आज ही अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। क्या लग रहा है ऐसे में वाकई इतनी आसानी से दिल्ली की जो सीटें ये दावा करते हैं 7 सीट आप गठबंधन जीत जाएगा, ये इतना आसानी से जीतने वाले हैं क्या इस तरीके से अगर आपस में लड़ेंगे? झाड़ू को लाने वाली कांग्रेस थी लास्ट टाइम में, वो झाड़ू इसलिए आ गया कि कांग्रेस ने सारा वोट अपना डलवा दिया इनको, और आज कांग्रेस अपने वजूद के लिए लड़ रही है, इसीलिए वो लवली ने आज इस्तीफा दिया। कांग्रेस का जो वोटर है देखा गया सर, एकदम से वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, यानी कांग्रेस को खाने वाला ही आप, यही दोनों आपस में फिर गठबंधन कर लिए। क्या दिल्ली में इस बार इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? भाजपा वाकई क्या कमजोर पड़ रही है या वापस से 7 सीटें जीत रही? सर भाजपा कमजोर नहीं पड़ रही, ये मोदी जी की लहर है और ये कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। शहर और देश में बहुत फर्क होता है। देश के लिए इलेक्शन है, देश की सुरक्षा का मामला है। तो देश की सुरक्षा मोदी जी से अच्छा
कोई विकल्प नहीं है किसी के पास में भी, किसी भी पार्टी के पास में। सर आप बता रहे ये लोकसभा का चुनाव है इसलिए माहौल लोकसभा में अलग हो जाता है, विधानसभा का माहौल अलग हो जाता है, ये आपका कहना है? बिल्कुल, विधान जो दिल्ली की जनता विधानसभा में केजरीवाल को भरपूर समर्थन देती है, 70 में पहले 67 सीट, फिर दूसरी बार 63 सीट, वो दिल्ली की जनता पिछले दो टर्म से लोकसभा में 7 की 7 सीटें भाजपा को दे रही है, ऐसा क्यों हो जाता है? लोकसभा में केंद्र पे भरोसा और विधानसभा में केजरीवाल पे भरोसा। सर केजरीवाल जी विधानसभा के लिए तो ठीक थे, लेकिन अब जो उन्होंने काम किया लिकर स्कैम में भी उन्होंने ऐसी स्कीमें लाई जो लोगों के हित में नहीं थी, अंदर से हर कोई परेशान था, एक आदमी खुश था 4 आदमी नाराज थे। अगर उनको इतना ही फायदा देना था दूध का कम कर देते, पेट्रोल का कम कर देते और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के हित में है उन सब चीज़ों पे डिस्काउंट्स कर देते। शराब पे डिस्काउंट हमने तो कभी भी नहीं सुना, शराब पे डिस्काउंट हुआ है। जब इलाके से गुजर रहे थे तो बहुत सारे हमें दुकान वाले भी मिले जिनका कहना है रविवार का दिन है, कस्टमर आते हैं, लेकिन अब जो है ऊपर से इन्हें आदेश आया था बाहर जो रेहड़ी पट्टी लगाते वो नहीं लगा सकते, दुकान वाले खाली बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं है उनके पास। तो क्या वाकई जो ये रोड शो कर रहे हैं वोट बैंक बनाने के लिए एक जन समर्थन के लिए, क्या इससे वाकई जो लोकल वोटर है वो क्या वाकई रोष है उनमें, नाराज हो रहा है क्या, क्योंकि जाम की भी स्थिति है, कस्टमर गायब है मार्केट से? नाराजगी तो रहेगी ना जी, अगर आपके मेरे कारोबार में फर्क पड़ेगा रही, अगर इन्होंने ये निकालना था तो इनको ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम करना चाहिए, तो दुकानों पे या आपके मेरे काम पे फर्क पड़ेगा तो नेचुरली इनके खिलाफ ही जाएगा ये सारा कुछ। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है वाकई देश की जनता एक बार फिर से मोदी जी को भरपूर समर्थन देने जा रही है? मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है सर, मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, ये तो हमारे लिए किस्मत की बात है जो हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ये तो विश्व गुरु है जी। मोदी जी का बता रहे हैं सर कोई तोड़ नहीं है, वाकई ऐसा है? नहीं है ना भाई, अब यहाँ पे सारे ये तो कहते हैं कि मोदी ही है हमारा प्रधानमंत्री, पब्लिक भी कह रही है, नेता भी कह रहे हैं, अब ये जितने ये सब अपने परिवारवाद पे लगे हुए हैं ना, ये कोई जरूरत है कि लालू बना सीएम तो उसका बेटा भी बनेगा, बेटी भी बनेगी, बहू भी बनेगी, जैसे उसका बता रहे कि बावल मिश्रा इतने टाइम से, एक ही बंदा थोड़ा रहना चाहिए, अलग अलग बंदे को देना चाहिए ना मौका, ये बात होती है। विनय मिश्रा, महाबल मिश्रा जो खुद कांग्रेस में थे अब वो भी आप में आ गए हैं, पहले पिताजी फिर उनके बेटे विधायक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है परिवार को बढ़ावा ये लोग जो दे रहे हैं, परिवारवादी तो हो रहा है। अब इन्होंने मोदी ने तो नहीं समझा ना, दिल्ली की सीटें बदली है ना, चाहे वो किसी के बयान पे बदली चाहे किस वजह से बदली, तो करप्शन तो कोई नहीं किया ना, और हर बंदे नए बंदे को मोदी जी मौका भी देते हैं। जो दिल्ली में 6 सीटों पे कैंडिडेट बदला गया एनडीए की तरफ से, क्या ऐसा बताया गया कि क्या भाजपा हार के डर से कैंडिडेट बदली है या नए को अवसर? सर ये परिवर्तन होता है, जो कैंडिडेट पहले काम कर चुका है ये परिवर्तन किया, उन्होंने कोई अपने परिवार में अपने कोई रिश्तेदारी में टिकट्स नहीं दिए, उन्होंने कैंडिडेट का चुनाव किया है जो अच्छा काम करने वाले। अब ये थोड़ा कि मेरे को 10 साल टिकट मिल गई जैसे प्रवेश वर्मा को दी तो मैडम को दे दी तो कोई बात नहीं, जो उनको पता रहता है कि हर बंदे का क्या काम है या पब्लिक के व्यूज के द्वारा वो बंदा बनाते हैं। अब प्रवेश वर्मा को आप ये कुछ भी कहें, ओपोजिशन वाले मध्य प्रदेश में या कहाँ पे भेजा हुआ ना पूरे इलेक्शन का वो हेड बना के, पश्चिमी दिल्ली का जो इलाका वाकई इस बार बीजेपी यहाँ से निकल रही है जीत रही। पश्चिमी दिल्ली ही नहीं, दिल्ली की 7 सीटें और भारत में गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट तीसरी दफा बनेगी, 100% बनेगी। अगर उन्हें बेमानी करी है तभी जेल लेकर गए, आपको मेरे को क्यों लेकर गए? कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन जो है दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं, भाजपा इस बार हार रही। वो तो सर 4 जून को पता लगा ना, वो तो 4 जून को पता लगा, आप और मैं अभी क्या कह सकते हैं? इनका नारा ना कि जेल का जवाब वोट से, पब्लिक इतना वोट देगी बीजेपी को कि ये बंदा बाहर नहीं आएगा। क्या लग रहा है ये पश्चिमी दिल्ली का जो इलाका है कमलजीत सरावत यहाँ से जीत रही है? हाँ वो जाट वोट पड़ेगा, जाट वोट पूरा नजफगढ़ जो है उत्तम नगर के जो पीछे वाला हिस्सा है पूरा जाट वोट बहुत पड़ेगा। पूर्वांचल से आते हैं महाबल मिश्रा है, क्या लग रहा है? वो उनको जनकपुर दावड़ी वाली साइड से पड़ेगा वोट, तो वही वाली मेरी बात आ रही है बार बार कि भाई साहब 4 जून को ही रिजल्ट निकलेगा। पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा क्या कहेंगे इस पर? सर अगर उन्होंने कुछ किया है तभी तो लगा उसके ऊपर, यानी वाकई किया है भ्रष्ट? बिल्कुल किया होगा तभी तो है, ऐसे थोड़ी ना वो ईडी वाले उठा के लेके इनको। तो इनका पीएम कौन होगा, क्या आपस में तय? ये सवाल है आपका, असली चुनाव तो उसके बाद होगा ना फिर, कि वो कौन वोट करेगा उनमें, क्या इतना तय हो पाएगा आपस में? सामंजस्य है ये जरा हो जाएगा, आपस में ही लड़के खत्म हो जाएंगे, इतनी दलों का गठबंधन कभी कामयाब नहीं होता। सब कुछ फ्री दे रखा, बस भी फ्री दे रखा है पब्लिक लोग के लिए। आप क्या कहेंगे? लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।
लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार हो रहा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है। क्या लग रहा है उनके जेल में जाने से दिल्ली का जो समीकरण है अब बदला है, दिल्ली की जनता अब पहले से ज्यादा केजरीवाल के साथ है या और घट गई? अरविंद केजरीवाल के साथ है और जो कह रहे हैं 400 पार अरविंद केजरीवाल और की सातों सीट दिल्ली में आएंगी और बीजेपी का सफाया होगा। केजरीवाल के जेल जाने का फायदा या नुकसान आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? आम आदमी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, सातों सीट आ रही बीजेपी। कांग्रेस आपस में लड़ रही है कुछ सीटों पे कन्हैया कुमार और उदित राज को लेके। सर आम आदमी की चारों सीट जो है ये निकलेगी। अच्छा, आपकी चारों सीट चल जाएगी और नहीं कह सकते? उसका नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी को सातों सीट पे अकेले लड़ना चाहिए था तब और ज्यादा बेहतर हालात हो। अकेले लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, उसमें सातों सीट निकलती है। भैया कांग्रेस के साथ गठबंधन जो किया है आपने, अकेले अगर सातों सीट लड़ती तो और बेहतर परिणाम हो सकते? बिल्कुल बेहतर परिणाम होता, लेकिन फिर भी जैसे देश में तानाशाही हो रही है, इसके लिए हमें मिलके भी चलना है। एक इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतना बढ़िया काम करा है, स्कूल बनाया है, कॉलेज बनवाया है, बस फ्री है लेडीजों के लिए, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उनको बिना किसी कारण उनको जेल में डाल रखा है। किसको वोट? मैं एक ही पार्टी जनप पहले कांग्रेस थी, अब ये है झाड़ू। केजरीवाल जी जेल में शराब घोटाले में क्या कहेंगे? इन्होंने जान के इल्जाम लगाया कि किसने किसी बात पे हम गिराए इनको, क्योंकि वोट हमारी बने, ऐसे वोट नहीं बनती। लोगों की जोश और जिस तरह की भावना है ये दिखाई दे रहा है। केजरीवाल जी के प्रति लोगों में जो भावना जगी है वो जेल का जवाब वोट से देने के लिए। हम लोगों के लिए ये केजरीवाल का माहौल अच्छा है, जो 7 सीटें हैं उसमें 4 वो लड़ेंगे, 3 कांग्रेस लड़ेगी, तो इसलिए हमें तो उनका भी मेंबर बनाकर भेजना है ना, जो हमारा प्रतिनिधित्व करे। हमारे लिए तो महाबल मिश्रा ही ठीक है। कितना सीट साथ में आ जाएगा आप गठबंधन को? 5 आ जाएंगे। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही, 3 पे कांग्रेस है, बट कांग्रेस में देखा गया दिल्ली में बहुत खींचातानी चल रही है, बहुत आपस में अंदरूनी कला सामने आ गया। अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा दे दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो थे। कन्हैया कुमार बाहरी उम्मीदवार को लेकर, उदित राज को लेकर यहाँ पे कांग्रेस के अंदर विवाद जिस तरीके से चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता अगर आम आदमी पार्टी सातों सीट पे अकेला चुनाव लड़ती तो ज़्यादा बेहतर होता? हाँ, ज़्यादा बेहतर होता है ये तो। क्या लग रहा है अकेला लड़ना चाहिए था? नहीं, इनमें क्योंकि पिछले बार 19 वाले इलेक्शन भी थे, 14 वाले भी इलेक्शन में थे, इनने वो नहीं किया, क्लियर नहीं हो पाया, पूरा मौका मिला था इनको, इसलिए गठबंधन करने से ज्यादा फायदा होगा। आप 5 सीटें बता रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस इस हालात में एक भी सीट निकाल पाएगी दिल्ली में? आपस में कला है, वहाँ वर्कर ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं कर रहे एक दूसरे? उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो कन्हैया कुमार हैं वो निकालेंगे। निकालेंगे कन्हैया जरूर, श्योर। इधर मनोज तिवारी वहाँ पिछली बार भारी मात्रा से बहुत वोटों के अंतर से जीते, कन्हैया कुमार बिहार से हार कर आ रहे हैं, भारी अंतर से हार कर आ रहे। वो कन्हैया कुमार आ रहे हैं वो CPIM से थे, लेकिन उन्होंने अपना पाला बदल दिया, वो आज 15 महीने से कांग्रेस में ही हैं। इनका मनोज तिवारी का उत्तर पूर्वी दिल्ली है, उनमें काम कहाँ किए हैं, वो तो जाते हैं घूम कर आए हुए हैं। कन्हैया कुमार का जो एक छवि है, जो छवि एक खासकर देश विरोधी के रूप में उनका छवि बना, जो आरोप लगा, क्या उसका नुकसान नहीं हो सकता है? कुछ भी नुकसान नहीं है उनका, तो सुप्रीम कोर्ट उनको कहाँ वो किया, बरी कर दिया। जिस एक्ट में उनको गिरफ्तार किया था देशद्रोह में, तो चाहता तो उनको बंद कर देता, लेकिन कहाँ बंद किया उनको, फिर जमानत देकर छोड़ दिए। नेताओं में तो ये सब बातें उलट पुलट चलती रहती है। क्या कहेंगे, केजरीवाल जी अंदर है, उनकी वाइफ रोड शो कर रही है, क्या माहौल लगा? केजरीवाल को बाहर करो।